तो लगभग 40 मिनट का समय बीत चुका है और इधर देख सकते हैं क्या सही सा टेक्सचर लग रहा है चिकन का, एकदम समझिए देहाती स्टाइल का जो भूंजा मुर्गा है वो यहाँ बनाया जा रहा है। और अब जो है इसमें होने वाला लेग का एंट्री, इधर जो है सारा लेग निकाल के रखा गया है, लेग और विंग्स को पहले डाला नहीं गया था, अब लेग इसमें जाएगा। 1.5 लाख का आपका ये मतलब पर मंथ जॉब था? हाँ, पर मंथ का जॉब था मेरा सेल्स का। और वो छोड़ के यहाँ आके आप चिकन पराठा, हाँ, चिकन पराठा 40 रुपए में आके आप यहाँ पर चिकन खा सकते हैं और साथ में मिलेगा ये देखिए गर्मा गर्म लच्छा पराठा। कढ़ाई ऐसे देख सकते हैं एकदम सूखा सूखा आपको लग रहा होगा, एक बूंद भी पानी कुछ इसमें गया नहीं है और पानी जैसा बता रहे भैया डालते भी नहीं है ना, डालते भी नहीं। नदी किनारे बैठे हुए हैं, रिवर साइड का व्यू है और यहाँ पर बैठ के खाने वाले हैं चिकन पराठा। तो अभी हम लोग हैं मरीन ड्राइव पर और दिन के 2 बजे मरीन ड्राइव पे आए हैं, जब कोई यहाँ नहीं आता है, टोटली सन्नाटा है, सारा का सारा जो कार्ट है वो बंद है। उस वक्त हम लोग मरीन ड्राइव पे आए हैं ताकि आपको दिखा सके कि कैसे बनता है चिकन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। फिलहाल हम लोग हैं मरीन ड्राइव पे और कवर करने आए हैं एक नए कार्ट को जिसका कि नाम है भोजन। इसका एक वीडियो हम लोग बहुत पहले बनाए थे वो महावीर घाट पर, और सेम कार्ट का एक ब्रांच जो है, एक समझिए कि फ्रेंचाइजी कार्ट जो है वो खुला है यहाँ पर। इसे कवर करने आए हैं, यहाँ का जो रेसिपी है वो आपको दिखाने आए हैं, दिन के टाइम आए हैं और इस कड़ी धूप में हम लोग शूट करेंगे चिकन का रेसिपी और साथ में खाएंगे लच्छा पराठा के और बताएंगे कि कैसा है उसका टेस्ट। लोकेशन की बात करें तो उधर है मरीन ड्राइव वाला जो गोलंबर है वो आपको सीधे की ओर आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। यहीं पर हम लोग बनाए थे एक बिरयानी वाले शॉप का, उसके थोड़ा सा आगे ये वाला कार्ट लगता है, नाम जो है देख सकते हैं भोजन। और इधर जो है ये कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो इससे आप लोकेट कर सकते हैं, इसके बिल्कुल सामने वाला जो एरिया है यहीं पर ये कार्ट लगता है, शाम में 4-5 बजे से स्टार्ट होता है। तो इधर जो है चिकन आ चुका है लगभग 8 किलो के आसपास बताएं कि चिकन रहता है, और अभी नया नया खुला है, 2-3 दिन हुआ है और 8 किलो चिकन जो है लगभग निकल जा रहा है। नेक्स्ट जो है अब इस चिकन को यहीं पर वॉश किया जाएगा। भैया ये फिल्टर वाटर जो है इससे धोते हैं चिकन को, रोज इसी से धोते हैं? हाँ रोज। तो अभी हमारे साथ है इस कार्ट के ओनर, क्या नाम हुआ आपका? तनय किशोर। आप ही का वीडियोस देख के वही सब आइडिया है और ये जो खोले हैं बस आपका वीडियो देख रहे हैं, 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। और वही आइडिया है, बैंगलोर में जॉब छोड़ के आके सोचा अब कुछ अपना करना है यहाँ। बैंगलोर में जॉब छोड़ के यहाँ आए चिकन और पराठा बेचने? 1.25 लाख का जॉब था मेरा, सेल्स का जॉब था और हेड थे सेल्स के, लेकिन वो छोड़ के आके हमको फूड चेन शुरू करना है। 1.25 लाख का आपका ये मतलब पर मंथ जॉब था? पर मंथ का जॉब था मेरा सेल्स का। और वो छोड़ के यहाँ आके आप चिकन पराठा? हाँ चिकन पराठा, मैंने इसमें और आइटम जाएगा लेकिन फूड चेन मेरे को स्टार्ट करना है बस बिहार झारखंड में। तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है उतने बड़े जॉब को छोड़ के आके। फैमिली का सपोर्ट मिला, वाइफ का, मम्मी पापा का, बहन का, सबका सपोर्ट मिला। तो फिर अभी कितना दिन हुआ स्टार्ट किया हुआ? 2-3 दिन ही हुआ, आज तीसरा दिन है सर। मतलब कैसा अभी रिस्पॉन्स रह रहा लोगों का? अच्छा है, मैंने जो खा के जा रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है तो लोग कम आ रहे हैं, बट जो खा के जा रहे हैं टेस्ट जो फीडबैक मैं ले रहा हूँ टेस्ट सबको पसंद आ रहा है। अच्छा। प्लस ये भोजन पहले से था वहाँ पे महावीर घाट में, वो आपका वीडियो ही देखे थे, फिर भैया के पास गए थे, उसके बाद फिर उनसे 2-3 बार उनके पास खाने गए, फिर उनसे आइडिया लिए, बातचीत हुआ तो फिर मिल के इनके साथ बोले आप फ्रेंचाइज स्टार्ट कर दीजिए। आज से 6 महीना पहले आए थे वीडियो देख के आपका, मेरा ही वीडियो देख कर गए थे। 8-9 महीना पहले कि बैंगलोर में भैया खोलिएगा, हम बोले बैंगलोर भैया अभी सेटअप कहाँ लेके जाएंगे, आपको बिहार में कभी अगर इच्छा हो तो आप आ सकते हैं यहाँ पे दे सकते हैं फ्रेंचाइज। अच्छा। तो फिर 8 महीने के बाद आए, इंटरेस्ट दिखाया तो हम कहे कि चलो स्टार्ट किया जाए। मतलब बैंगलोर से बैठ के आप हम लोग का वीडियोस देखते, वो वीडियो बहुत हिट भी हुआ था, वो अभी के टाइम पे 8.7 मिलियन के आसपास व्यूज है। सारा वीडियो जो आप लॉकडाउन में घर बैठ के भी जो मेन्यू मंगाते थे उसको ये करते थे, जो आप मंगाते थे फिर पटना में आते थे तो वहाँ से मंगाते थे घर में, हम भी टेस्ट करते थे। सही रहता था एक्सपीरियंस? अरे बहुत अच्छा रहता, आपका जो जहाँ आप बोल दिए सही है वो सही है, जहाँ पे आप कुछ कमी बताते वो कमी भी वो ठीक करके फिर वो खिलाते थे दूसरे को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भैया। अब हम लोग जो है प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है यहाँ का चिकन और फिर खा के टेस्ट पता। जो है हमारा चिकन बनना स्टार्ट हो रहा है, कढ़ाई में बनता है, वहाँ जो महावीर घाट हम लोग शूट किए थे वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट था, कढ़ाई में बनता था, यहाँ भी सेम। अब जो है सबसे पहले डाला जा रहा है सरसों तेल, तेज पत्ता, ठीक है। लगभग 5 मिनट तक सरसों तेल को किया गया गर्म, ऊपर से गया तेज पत्ता। आप कहाँ के हैं? भागलपुर। भागलपुर से आए हैं पटना? मिर्ची जा रहा है इसके अंदर फौरन, ठीक है। तेज पत्ता गया, उसके बाद गया लाल मिर्च, अब क्या जा रहा है? गोलकी गरम मसाला। गोलकी गरम मसाला, देहाती स्टाइल का चिकन बनता है? देहाती स्टाइल का। हाँ डाल रहा है, ठीक है। अब जो है जा रहा है प्याज, कितना प्याज डाले? लगभग 2 केजी 2 किलो 2 किलो
बस 2 किलो प्याज डाल जाता है, बाद में डालेंगे आप। अच्छा, बाकी जो है बाद में जाता है। कितना भैया? लगभग 8 kg है। अच्छा, 8 किलो चिकन है। और प्याज कितना डालिएगा इसमें? 7.5 kg। 7.5 किलो लगभग प्याज जाता है। ठीक है, लगभग 10-15 मिनट का समय बीत चुका है। अब भैया क्या करना है? अब प्याज लाल हो चुका है। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आप डालेगा। ठीक है, डालिए। तो पूरा प्याज एक साथ डाले नहीं थे, 2 किलो डाले थे, उसे लाल किए और अब जो है ऊपर से जा रहा है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन डालने के बाद फिर जो बाकी का प्याज है आप वो डालिएगा? वो डालेंगे। अच्छा, पेस्ट इसमें 300 ग्राम। 300 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आपका भुंजा चुका है। अच्छा, अब डलेगा इसमें सारा प्याज। ये हो चुका है आपका अदरक लहसुन का पेस्ट भुंजा चुका है। ठीक है, अब सारा प्याज इसमें डल रहा है। तो अब जो है बाकी का प्याज बचा हुआ था लगभग 5.5 किलो प्याज, वो अब डल गया। स्टार्टिंग में 2 किलो डाल के एक बेस रेडी किए, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाले, अब बाकी का जो है 5.5 किलो प्याज वो डाले। तो यहाँ का चिकन जो है उसका यही USP होता है कि प्याज का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जितना चिकन उतना प्याज, है ना भैया? हाँ, उतना ही प्याज है। जितना चिकन डालते हैं आप लोग उतना प्याज भी डालते हैं? जितना प्याज, जितना चिकन उतना प्याज। तो और पानी कुछ यूज़ नहीं करते हैं? पानी ये भी बूंद यूज ना। हाँ, ये आपका डाल रहे हैं नमक। ठीक है, अब गया ऊपर से नमक। तो मसाला वसाला कब डालते हैं? पहले चिकन डालते हैं या पहले मसाला? पहले मसाला तब चिकन। लगभग 45 से 50 मिनट का समय जो है बीत चुका है और अभी भी भैया प्याज रेडी नहीं हुआ। प्याज गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा नहीं, आपका तो 1 घंटा लग गया। 1 घंटा तो लगेगा ही प्याज गलने में। इतना समय देते पानी बनाना पड़ता है ना, एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डलता। कोई पानी ऊपर से नहीं डलता, इसीलिए इसी का पानी तैयार करना पड़ता है। इस वजह से समय ज्यादा लग जाता है। इस वजह से समय ज्यादा लग जाता है। तो हम लोग 1 घंटे से वेट कर रहे हैं कि प्याज गले। अभी भी भैया टोटली सेटिस्फाइड हुए नहीं है प्याज के टेक्सचर से। गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, सारा कुछ मतलब तौल के लाए हैं। हाँ, तौल करके लाए हैं सारा, यहाँ व्यवस्था नहीं है तौलने का। तो सारा कुछ मतलब तौल के लाते हैं, वही यूजुअल जो मसाला वही सब होगा, नॉर्मल मसाला सर। हल्दी, जीरा, गोलकी, धनिया, मिर्चा और नमक पहले से ही डाल चुके हैं। नमक डाल चुके और चिकन मसाला, कश्मीरी मिर्च, ये सब अभी नहीं डाला है। सब डल गया इसी में। सब इसमें था, सारा इसी में डाल। मीट मसाला डाले हैं? मीट मसाला है और चिकन मसाला भी, गरम मसाला, गरम मसाला भी डाल चुके। मसाला भी डाल चुके। लगभग जो भी मसाला था, हल्दी, जीरा, धनिया, गोलकी, सब कुछ तौल के लाते हैं और सब कुछ इसमें जा चुका है। 1 घंटे से ज़्यादा का समय दे चुके हैं प्याज को गलाने में और कोई पानी इसमें जाता नहीं है। प्याज को गला के उसी के पानी के बेस पे ग्रेवी जो है वो बनता है। अब जो है भैया कुछ अपना सीक्रेट मसाला निकाल रहे हैं। क्या भैया ये है? हींग डाल रहा है। अच्छा, इसमें हींग भी डालते हैं? हींग भी, मतलब डाइजेशन का भी ध्यान रखते हैं लोगों का। ऊपर से जो है ये गया 1 पुड़िया हींग। हींग तो हम लोग बहुत कम देखते हैं चिकन में डलते हुए। नहीं, हींग डलेगा हमेशा आपका हींग जो है डलता है। हाँ, हींग डलेगा। तो फायदा इसका डालने का? इसका फायदा यही है कि थोड़ा स्वाद में पकड़ रखता है। स्वाद में पकड़ रखता है। जो कढ़ाई ऐसे देख सकते हैं, सूखा सूखा आपको लग रहा होगा, एक बूंद भी पानी कुछ इसमें गया नहीं है। और पानी जैसा बता रहे भैया डालते भी नहीं है ना? डालते भी नहीं, कोई पानी नहीं डालते। कोई पानी, बिना पानी का मसाला को भून देते हैं। इधर जो लेग है और विंग्स है इसे सेपरेट कर लिया गया है, इसे बाद में डालते हैं। और अब जो है ये सारा चिकन इसमें डाला जाएगा। ये लेग विंग्स को सेपरेट करके जो बाकी का पीस है इसमें निकाल लिए हैं और अब जो है इसे कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करना है। ये इसमें अब डल रहा है सारा चिकन। ठीक, प्लेट छोड़ा करके ये जो सारा चिकन था ये गया कढ़ाई। तो अब कितना समय भैया और लगने वाला है इसमें? और 45 मिनट। 45 मिनट और लगेगा। और बता रहे हैं आपका जो चिकन है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, 3-4 घंटा लगता है आपके चिकन को बनने में। हाँ, यस। आज हम लोग हड़बड़ करवा के जल्दी बनवा रहे हैं, बट यूजुअली जो है यहाँ 3-4 घंटा समय देते हैं चिकन को बनाने में। पूरा प्याज को अच्छे से गलाते हैं, ऐसा गलाते हैं कि पेस्ट बन जाए, मतलब मिक्सी का कोई यूज़ नहीं है, मिक्सर ग्राइंडर में पीसते नहीं है, कढ़ाई में ही प्याज को गला देते हैं। चिकन जो है डल गया है, अब थोड़ा वेट करते हैं हम लोग, फिर जो नेक्स्ट प्रोग्रेस है वो आपको दिखाएंगे। तो लगभग 40 मिनट का समय बीत चुका है और इधर देख सकते हैं क्या सही सा टेक्सचर लग रहा है चिकन का, एकदम समझिए देहाती स्टाइल का जो भूंजा मुर्गा है वो यहाँ बनाया जा रहा है। और अब जो है इसमें होने वाला लेग का एंट्री, इधर जो है सारा लेग निकाल के रखा गया है। लेग और विंग्स को पहले डाला नहीं गया था, अब लेग इसमें जाएगा। ये अब आपका जाने वाला है लेग पीस। ठीक है, लेग को लास्ट में डालते हैं ताकि टूटे नहीं, है ना? टूटे ना। हाँ, अब जो है ये सारा लेग डाल दिया गया, 15 के आसपास लेग टोटल दिख रहा है। नेक्स्ट जो है क्या जाने वाला भैया?
डालेंगे अब गरम मसाला इसका। अच्छा, अब जाएगा गरम मसाला अपने हाथ से तैयार किया हुआ। अच्छा, ये खुद से कूटे हैं? हाँ, अपने से तैयार किए हुए हैं। ठीक है ठीक है, ऊपर से गया गरम मसाला। अब जो है करना है इसे मसाले के साथ मिक्स। भैया कितना टाइम और लगेगा टोटल? और 20 मिनट लगेगा इसमें। 20 मिनट में तैयार हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। अब लगभग 20 मिनट के लिए इस तरह से इसे ढक के रख। लगभग 10 मिनट का समय बीत चुका है, 10 मिनट और इंतजार करना है, उसके बाद जो चिकन है वो हो जाएगा तैयार। और इधर जो है ये लच्छा पराठा बनना हो गया स्टार्ट। यहीं पर देखिए एकदम गर्मा गर्म लच्छा पराठा जो है वो खिलाया जाता है, और यहाँ जो है गर्मा गर्म चिकन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला। भैया कितना टाइम और? 10 मिनट? 10 से 12 मिनट और। ठीक है, एक पीस का रेट 40 रुपये और लेग 50, तो 40 रुपये में आके आप यहाँ पर चिकन खा सकते हैं, और साथ में मिलेगा ये देखिए एक गर्मा गर्म लच्छा पराठा। इसका रेट है 20 रुपये और 40 रुपये का है ये चिकन। तो फाइनली जो चिकन है वो हो चुका है तैयार, और ग्रेवी आप देख सकते हैं एकदम लटपट टाइप का होता है, कोई पानी वाला ग्रेवी आपको दिखेगा नहीं, देख सकते हैं एकदम सिर्फ प्याज का ग्रेवी है। भैया एक पीस उठा के दिखाइएगा। ये जो है ये हो गया लेग पीस जिसका की रेट है 50 रुपये, और जो नॉर्मल पीस है भैया वो दिखाइए एक बार। ये जो नॉर्मल पीस आप देख रहे हैं इसका रेट है 40 रुपये, साथ में लच्छा पराठा जो है आप वो ले सकते हैं वो है 20 रुपये का। यहाँ लच्छा पराठा का तैयारी चल रहा है, तो अब बस प्लेट में निकलवाते हैं और करते हैं ट्राई, बताते हैं टेस्ट। तो इधर हम लोग चिकन पराठा लेकर आ चुके हैं, नदी किनारे बैठे हुए हैं, रिवर साइड का व्यू है, और यहाँ पर बैठ के खाने वाले हैं चिकन पराठा। इधर आइए, लेग पीस का जो साइज़ है ये काफ़ी सही सा है, ये है 50 रुपये का, और ये जो पीस आप देख रहे हैं ये है 40 रुपये का। लगभग 2 घंटे का समय लगा है सिर्फ प्याज को गलाने में, उसके बाद 1 घंटा चिकन को गलाने में, 3 घंटा हम लोग हड़बड़ किए हैं तब जाके 3 घंटे का समय लगा है इस पूरे चिकन को बनाने। पहले लच्छा पराठा को ट्राई करते हैं ग्रेवी के साथ, और भरपूर मात्रा में जो प्याज है वो डाला गया, प्याज का क्वांटिटी जो है वो आप देख सकते हैं। थोड़ा ये लेते हैं गला हुआ प्याज, ऊपर से जो है डालते हैं ये थोड़ा सा कच्चा वाला प्याज। अब करते हैं ट्राई। हम लोग महावीर घाट वाला चिकन खाए थे, वहाँ भी बताए थे प्याज का क्वांटिटी ज़्यादा होता है जिस वजह से तीखापन जो है थोड़ा बैलेंस हो जाता है। मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं बट चूंकि प्याज यहाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते नहीं हैं, इस वजह से जो ग्रेवी का कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत सही रहता है। अब देख सकते हैं थोड़ा भी पानी वाला ग्रेवी नहीं लग रहा होगा, और हल्का जो तीखापन है वो भी बैलेंस होता है प्याज के वजह से। अब जो है एक पीस ये लेग के साथ ट्राई करते हैं। ये देखिए हम लेग जूसी सा बाद में डाला गया है, बहुत ज़्यादा गलाया नहीं गया है, ऐसा किया गया है कि टूटे नहीं। ये ऊपर से लगाएं, ये लगाएं ग्रेवी, अब करते हैं ट्राई। तीखापन जिन्हें कम खाना होता है उनके लिए परफेक्ट है, मतलब किसी को भी तीखा वीखा नहीं लगने वाला है, मसाला हर चीज़ बैलेंस्ड है, बट तीखापन जो है वो ज़्यादा नहीं है। और मेरे हिसाब से इस एरिया में ये मरीन ड्राइव साइड ऐसा कोई आउटलेट था भी नहीं, ऐसा कोई कार्ट था भी नहीं, तो मरीन ड्राइव घूमने आ रहे हैं, चिकन पराठा खाना है, चिकन खाना इस माहौल में इस व्यू के साथ खाना है, तो आइए आप इस कार्ट पर और आके यहाँ का चिकन पराठा ट्राई कीजिए। आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो महावीर घाट जाके ट्राई कर चुके होंगे, तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिए कि वहाँ वाला कैसा लगा। बिल्कुल सेम चीज़ है जो वहाँ मिलता था, बिल्कुल सेम चीज़ है, सेम कारीगर है, सेम लोग हैं जो बना रहे हैं। अब खाए थोड़ा सा लेग पीस को। लेग पीस जो है एकदम जूसी सा, प्लस जो ऊपर से अपना कूट के गरम मसाला डाले हैं उसका बहुत अच्छा टेस्ट है। ओवरऑल समरी आप यही समझिए कि जो महावीर घाट में टेस्ट मिल रहा है सेम टेस्ट अब आपको मरीन ड्राइव में मिल रहा है। शाम के 5 बजे जो है स्टार्ट होता है, दिल कर रहा है चिकन पराठा खाने का शाम में बैठ के इस सनसेट के व्यू के साथ, तो आइए खाइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।